आजकल हमीरपुर सहित हिमाचल प्रदेश में एटीएम बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। गिरोह द्वारा आए दिन लोगों से ठगी की जा रही है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज बैंक प्रबंधन द्वारा निकाली गई है और मीडिया में गिरोह की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। वहीं ठगी की कुछ लोगों द्वारा शिकायत बैंक प्रबंधन को भी की गई है। उसी के आधार पर पीएनबी बैंक प्रबंधन ने हमीरपुर पुलिस थाना में गिरोह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीएनबी हमीरपुर सर्कल प्रमुख अरविंद सरोज की माने तो ये गिरोह बड़ी चालाकी से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं, जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं कर सकता कि उनके साथ ठगी हुई है। गिरोह बड़ी शातिरता से एटीएम में मदद के बहाने से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता है। अरविंद सरोज ने बताया कि जब कोई व्यक्ति एटीएम का प्रयोग करता है तो गिरोह का एक सदस्य अचानक से एटीएम में घुस जाता है और मदद करने का दिखावा करता है। उसके बाद व्यक्ति के एटीएम कार्ड को अपने किसी अन्य कार्ड से बदल देता है। इसी दौरान गुप्त पिन कोड का भी वो गिरोह पता कर लेता है कि ग्राहक ने कौन सा पिन कोड डाला है। उसके बाद लोगों के पैसे खाते से उड़ा दिए जाते हैं। वहीं हमीरपुर पीएनबी के सर्कल प्रमुख अरविंद सरोज ने बताया कि एटीएम बदलकर लोगों से ठगी करने का गिरोह हमीरपुर सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है, जो लोगों से ठगी करके लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह के गिरोह से बचें, क्योंकि जब भी एटीएम का उपयोग करें तो अकेले ही एटीएम में रहे, किसी अन्य व्यक्ति को एटीएम में न आने दे। इसमें कुछ शिकायतें आ रही थी, हमारी शाखाओं से भी शिकायतें आ रही थी, क्योंकि हमारे एटीएम की मशीनों को ख़राब किया जा रहा था। इसके बाबत हमने पुलिस को भी सूचित कर दिया है, वहाँ से हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई कार्रवाई जल्दी ही होगी। और लेकिन इसके लिए सबसे पहले ग्राहकों को बिल्कुल सतर्क रहना होगा, अपना कार्ड किसी को नहीं देना होगा और अपना पिन किसी के साथ कोई शेयर नहीं करना होगा। ये कुछ संदिग्ध जो जिनके हमारे पास कुछ फ़ोटो हैं जो हमने अपने सीसीटीवी से निकाले हैं, उनके फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें से कोई भी अगर आदमी अगर आपको कोई दिखता है तो हमारी जो कोई समीप में कोई शाखा है उसको सूचित करें, या इसके बारे में पुलिस को भी आप सूचित कर सकते हैं। मैं सभी जनसाधारण से ये अपील करता हूँ कि हमारे इस इलाके में और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक गिरोह सक्रिय है, जो कि एटीएम की स्वैपिंग करके तथा ग्राहकों के खातों से जो पैसे निकाल रहा है। ये गिरोह 3 या 4 लोगों का है जो कि पूरे हिमाचल में इस समय सक्रिय है। ये एटीएम का जो कार्ड रीडर होता है उसमें फेविक्विक जैसा कोई तरल पदार्थ डाल के उसको ख़राब कर देते हैं। उसके बाद ये ग्राहक के आने का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पर ये दिखाते हैं कि एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। फिर उस ग्राहक की मदद करने के दौरान ये उसका पिन भी उसका पता कर लेते हैं और उसके कार्ड को भी बदल देते हैं। इस तरह की धोखेधड़ी सामने आई है। जो हमारे सीसी फुटेज की जो हमने देखी है उसमें ये 3-4 लोगों का ये गिरोह है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि जब भी अपना आप एटीएम ऑपरेट करें, एटीएम के कमरे में जाएं, तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके साथ कोई दूसरा आदमी जिसको आप नहीं जानते वो नहीं होना चाहिए, और अपना पिन और अपना कार्ड जो है वो किसी दूसरे को ना दें, जिससे कि हम इस धोखाधड़ी से बच सकें।